अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारे किचन में बारबेक्यू पिज़्ज़ा बन रहा है। ये डो रेडी करना है जो कि पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, ये मैजिक करके लिया है, 2 कप है। हमें ड्राई मिल्क चाहिए होगा, ये भी 2 टेबलस्पून है। ऑयल हम 2 से 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है। शुगर हमें चाहिए होगा, ये भी 1 टीस्पून है। ड्राई एक्टिव ईस्ट है, ये एक सैशे है, अगर वेट करें तो 11 ग्राम बनता है। और हमें लुकवार्म वाटर चाहिए होगा इस डो को गूंदने के लिए। इस डो को गूंदने के लिए मैं ये डो मेकर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पास नहीं है तो आप हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। मैदा इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, ये 2 कप है। ईस्ट जाएगा, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जानते हैं ये एक्टिवेटेड होता है, पहले से मिक्स करना होता है। मिल्क पाउडर इसके अंदर जाएगा, 2 टेबल स्पून था। शुगर हम डालेंगे, ये इम्पोर्टेड होता है, हेल्प करता है डो को फर्मेंट होने में। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। और सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, ये हम 1 टीस्पून डालेंगे। लेवल्ड डालिए हीट में। अब इन चीज़ों को मुझे ड्राई मिक्स करना है। पहले मशीन को मैंने ऑन कर दिया है ताकि सब चीज़ें ड्राई मिक्स हो जाएं। इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी अब साथ साथ। ऑयल हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी इतना कि डो जो है सॉफ्ट आटे की तरह बन जाए। लुकवार्म वाटर यूज करना है आपने। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये सॉफ्ट हो गई है। अब मैं मशीन को ऑफ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल और लगाऊंगी और मैं इस डो को इसी मशीन के अंदर ढक के फर्मेंट होने के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मशीन की हीट की वजह से इसे फर्मेंट होने में हेल्प मिलेगी। आजकल विंटर्स हैं तो हमें हीट जरूर चाहिए होगी इसको फर्मेंट करने के लिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर आप किसी सिंपल बाउल में गूंदिए और किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ इसे हीट मिलती रहे। 2 घंटे में ये जो डो है ये फर्मेंट हो जाती है। तो मैं इसको ढक के छोड़ रही हूँ और हम पिज़्ज़ा के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप के लिए हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने 2 चिकन कस लिए हैं जिन्हें इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। इसके अंदर ये टिक्का मसाला है, मेरा होममेड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये मैंने डाल दिया, ये 3 टेबलस्पून था। इसके साथ साथ लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये भी 2 टेबलस्पून थी। इसके साथ साथ हमें लेमन जूस चाहिए होगा, फ्रेश डालिए, ये फ्रेश ही है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए निकाल के रखा हुआ है। ये 2 टेबलस्पून ही मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमें ऑयल चाहिए होगा, ये इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब इसे हम मैरिनेशन में ही डाल देंगे। मिक्स करना है इसे अच्छी तरह से। और इसको हम मैरिनेट करके आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रही है उतनी देर में हम एक सॉस रेडी कर लेते हैं। ये बटर सॉस है जो पिज़्ज़ा के साथ सर्व की जाती है और खाने में बहुत यमी लगती है। इसके लिए मैंने सॉल्टेड बटर लिया है जिसे मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर मैं मायोनीज डालूंगी, 1 टेबलस्पून मायोनीज डालेगा इसके अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल देंगे, ये 1 टेबलस्पून है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट नहीं डाल रही मैं क्योंकि सॉल्टेड बटर था और मायोनीज के लिए भी सॉल्ट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मेरी बटर सॉस रेडी है। इस मैरिनेटेड चिकन को अब मुझे कुक कर लेना है। इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से डाल चुके हैं, बस इसे कुक करना है। और इतनी देर कुक करना है कि इसके अंदर जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और चिकन हमारी कुक हो जाए। चिकन हमारी कुक हो गई है अपने ही पानी के अंदर। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। अब हमें इसे स्मोक करना है। एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस रख रही हूँ मैं इसके अंदर। कोयला रखा है
और इसको हम स्मोक कर लेंगे क्योंकि ये बारबेक्यू पिज्जा है तो इसके अंदर फ्लेवर होना चाहिए स्मोक का भी। पिज्जा डो हमारी राइज हो गई है और इसको मुझे ज्यादा स्मूथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे मैंने डो मेकर में बनाया है और उसमें ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो रहा है। बस मैं ये मिक्स करूंगी और हम इसे बेल लेंगे। और ये पिज्जा जो है ये मैं पैन में बेक कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है पैन में बेक करते हुए, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ कि कैसा बनता है, तो हम मिलके देखेंगे। इसको मैं फ्लैट कर लूंगी और उसके बाद मैं पैन में डालने के बाद डो आपको दिखाऊंगी। डो को बेल के मैंने इस पैन के अंदर फैला दिया है, अब इसे फोक के साथ पिक कर रही हूँ ताकि बबल्स नहीं बने और एयर क्रॉस हो सके। ये करना बहुत ही जरूरी होता है वरना रोटी की तरह फूल जाती है डो। और ये जो डो है इसमें मैंने अंडा यूज नहीं किया है, इससे पहले भी एक रेसिपी है पिज्जा की मेरे चैनल पे, उसके अंदर मैंने अंडा यूज किया है और ये एग के बगैर बना रहे हैं। ईस्ट हम डालते हैं इसमें तो वो फर्मेंट करता है चीजों को। अब इसके अंदर हमें ये पिज्जा सॉस लगानी है, ये भी मेरी होममेड है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। पिज्जा सॉस ज्यादा मत लगाइएगा, पिज्जा सॉगी हो जाता है, और ऐसी थिक सॉस बनाया करें, लिक्विडी भी नहीं होनी चाहिए, डो को सॉफ्ट कर देती है। इसको हम फिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम चिकन डाल देंगे, हमारा स्मोकी चिकन है ये, फैला देंगे, कॉर्नर्स तक फिला दीजिए। अब इसके ऊपर ये शिमला मिर्च जाएंगी, इसके बाद इसके ऊपर हम चीज डालेंगे, ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है, ढेर सारा डालिए, मजा आता है खाने में। ब्लैक ऑलिव्स हम डाल देंगे, और सबसे एंड में इसके ऊपर हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे, ये बारबेक्यू पिज्जा है तो सॉस भी हम अभी से डाल देंगे ताकि साथ ही बेक हो जाए, ज्यादा मत डालिएगा। और अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे, 10 मिनट के लिए बेक किया है इसे बहुत ही स्लो आंच पर, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हम चेक करते हैं कि हमारी डो कुक हुई है या नहीं, ये बिल्कुल कुक हो गई है, आप देख रहे हैं किनारे छोड़ दिए हैं इसने, इसका मतलब है कि रेडी है। अब हम इसे पैन में से बाहर निकालेंगे। बारबेक्यू पिज्जा हमारा रेडी हो गया है और साथ बटर सॉस भी रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।